गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोशन लाल देगर फ्रॉम GPC प्रतापगढ़, लेक्चर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है ME 202, उसमें बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में अपन ने डिस्कस किया था वेंचुरी मीटर के ऊपर। तो इस वीडियो में अपन वेंचुरी मीटर पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि डिप्लोमा कोर्सेज के लेवल के अकॉर्डिंग किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर एक न्यूमेरिकल है बिल्कुल सिंपल सा, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी पॉइंट आर्ट इज फ्लोइंग थ्रू ए वेंचुरी मीटर हैविंग इनलेट डाया 20 सेंटीमीटर एंड थ्रोट डाया 10 सेंटीमीटर। द ऑयल मर्क्यूरी डिफरेंस मैनोमीटर शो ए रीडिंग ऑफ 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्चार्ज ऑफ ऑयल थ्रू ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर, टेक CD इक्वल्स टू 0.98। इस क्वेश्चन में अपन को क्या, एक हॉरिजॉन्टल पाइप दिया है, उसके ऊपर वेंचुरी मीटर फिट कर रखा है, उसको उससे अपन को क्या है रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज मेजरमेंट करा है। जो ऑयल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दी हुई है, वेंचुरी मीटर का इनलेट डाया 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थ्रो डायामीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो अपन ने मैनोमीटर लगा रखा है डिफरेंशियल मैनोमीटर ऑयल मर्करी वाला है, तो उसकी जो कॉलम में डिफरेंस है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और CD की वैल्यू वेंचुरी मीटर के लिए है 0.98। अपन को निकालना है डिस्चार्ज। अपन जानते हैं क्यू डिस्चार्ज रेट ऑफ फ्लो इक्वल्स टू CD इंटू रूट इंटू A1 A2 डिवाइड बाय रूट ऑफ A1² माइनस A2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2GS। तो अगर अपन न्यूमेरिकल देखें तो जो अपन को जो क्वेश्चन में गिवन है, CD अपन को गिवन है, डायमीटर दिया हुआ तो A1 अपन निकाल सकते हैं, थ्रोट का डाया दिया उससे A2 भी निकाल देंगे, और G की वैल्यू अपन को पता ही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया, और H की वैल्यू है, H की वैल्यू के लिए अपन को दोनों जो ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दे रखी है, और X की वैल्यू दे रखी है, और मर्करी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6 होती है, तो अपन H की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है CD इक्वल टू 0.98, D1 हो गया 20 सेंटीमीटर, तो A1 हो जाएगा π/4 D1² तो π/4 इंटू 20 का होल स्क्वायर, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 314.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार D2 की वैल्यू दी हुई अपने पास 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से A2 निकल जाएगा π/4 D2² इक्वल टू π/4 इंटू 10 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास A2 की वैल्यू 78.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पर अपने पास A1 और A2 की वैल्यू आ गई है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल ये अपन को गिवन है 0.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी होगी 13.6 हो गई, तो X की वैल्यू होगी 25 सेंटीमीटर, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है H=X(SH)(S0-1)). तो ये हो जाए X की वैल्यू अपने पास है 25 है, ब्रैकेट 13.6 डिवाइड बाई 0.8-1, इसको अपन सोल्व करेंगे तो 25 × 16 हो गया, ये हो गया 400 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल, ये अपने पास H की वैल्यू आ गई। अब अपने पास सारी वैल्यू आ गई A1, A2, CD, H, तो अपन डिस्चार्ज इक्वेशन इन सब की वैल्यू को अपन पुट करेंगे, तो Q = CD (A1A2)√A1² - A2² √2GH। तो अपन सब वैल्यू, CD की वैल्यू 0.98 इंटू A1 की वैल्यू 314.16 इंटू 78.54 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 314.16 का होल स्क्वायर माइनस 78.54 का होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2 इंटू 981 इंटू 400। अपन 981 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ सारी वैल्यू अपने पास सेंटीमीटर में है, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो डिस्चार्ज की वैल्यू अपने पास आएगी 70465 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसको अपन लीटर में चेंज करेंगे
तो एक डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 70.46।